Yes, yes. तो हम लोग सेमी कंडक्टर्स कर रहे थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेमी कंडक्टर्स में मैंने तुमको बताया था कि कंडक्टिविटी और बैंड गैप दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम सेमी कंडक्टर को डिफाइन करते हैं सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, बैंड के बीच का जो गैप होता है वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूरो के बीच में लाई करता है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा तो इंसुलेटर है छोटा होगा और बिल्कुल नहीं होगा तो वो कंडक्टर है बिल्कुल ओवरलैप कर जाए या जीरो है तो वो कंडक्टर है जीरो से थ्री के बीच में तो सेमीकंडक्टर है और तीन से बड़ा है तो कौन सा है इंसुलेटर है। तो बैंड गैप में सिर्फ दो बैंड देखे जाते हैं हाईएस्ट एनर्जी वाले एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंसी बैंड अब ये सेमीकंडक्टर अगर अपनी प्योर फॉर्म में कोई मिलावट नहीं है तो उसको बोलते हैं intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor में जब कोई मिलावट नहीं होती, तो उसमें क्रिस्टल में, में कैसे है? तो एक एटम के चारों तरफ सिलिकॉन जर्मेनियम में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में पेयर बना के रहते हैं तो हर सिलिकॉन के चारों तरफ चार सिलिकॉन एटम गौरव तुम फोन कर रहे थे सुबह से लेकिन मैं लगातार क्लास में था और तुम्हारा फोन हमेशा क्लास के टाइम पे आता है इसलिए मैंने नहीं उठाया गौरव हाँ ठीक क्या कोई दिक्कत हाँ नहीं सर मुझे यही पूछना था कि अगर आप कोई पावर स्टेप तो नहीं, 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 तो लेकिन में एनी और क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल सेम होंगे तो एनी इन टू एनएच तो इजल अब उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आती है फिर इसके बाद मैंने एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर कराया था जहां पर हैं तो मिला के दो टाइप के बनते हैं और से वाला जो है, जब वो के में तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन और चारों तरफ चार एटम है तो वो एक होल शेयर कर रहा है क्या शेयर कर रहा है होल जो कि बोलेगा इलेक्ट्रॉन को आओ आओ वो एक्सेप्टर है क्या है एक्सेप्टर लेकिन अगर नाइट्रोजन फास्फोरस टाइप का हुआ तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच और चारों तरफ सिलिकॉन के तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बोलेगा जाओ वो डोनेट डोनेट करेगा डोनर है तो पेंटावेलेंट डोनर की तरह काम करते हैं और ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं और ये क्या करेंगे जैसे ही डाले जाएंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन को या तो होल को बढ़ा देंगे तो अब हमारे पास दो कैरियर हो गए एक एक दो टाइप के पहले भी थे बट दोनों इक्वल थे अब बैलेंस बिगड़ गया अब एक या तो होल बढ़ गए तो पी टाइप और अगर या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो एन टाइप तो जो पी टाइप है बोरॉन वाला उसमें होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं और जो एन टाइप है ट वाला उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मेजरिटी चार्ज कैरियर के बेसिस पे बोला जाता है ये तुम्हारा सेमी कंडक्टर पी टाइप है या फिर एन टाइप ठीक है फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि एक एक्सटेंसिक एक सेमी कंडक्टर में भी एनी इन टू एन एनएच स्क्वायर होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा बट मल्टीफिकेशन कौन रहेगा क्यों क्योंकि अगर खूब सारे बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे क्योंकि पकड़ पकड़ के फिर से बॉन्ड बना लेंगे

तो अब ये तुम्हारा मैंने तुमको बताया था कि एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर होल्स और इलेक्ट्रॉन वाला कंडक्टिविटी तो बढ़ गई बट हमारा कंडक्टिविटी बढ़ाने का भी ही नहीं था हमारा था इस पीएन जंक्शन डायोड को एक स्विच बनाना जिससे वो कभी कंडक्टर बन जाए और कभी इंसुलेटर बन जाए तो इससे पीएन से तो कुछ नहीं होता पी और एन से नहीं होता तो पी और एन को मिला देते ये बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बता था। और बाय जीरो रिकॉर्नल गा बाय बाय सिग्नल रिकॉर्नल व्याप पे हो गया अच्छा चलो एक बार मुझे अभी पी इंजेक्शन डायोड के एप्लीकेशन कराने हैं तो मैं एक बार फ्री रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट लगेगा रिवाइज करा देता हूं तो, तो इस पीएन जंक्शन डायोड में मैंने बताया था नेहा सिंह काव्या सिंह तुम लोगों को बेटा पीडीएम के लिए बोला था क्या नेहा और काव्या उनका खत्म हो, हो गया नो सर। पीडिंग नहीं बोला था ठीक चलो कोई बात नहीं एक वाजी 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 वाजी। एक पीएन जंक्शन डायोड कैसे बिहेव करता है तो जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाओ। तो पी टाइप को तुमने एन टाइप के साथ जोड़ के एक टू टर्मिनल डिवाइस बना दी एक एंड खुलेगा पी के तरफ एक एंड खुलेगा एन की तरफ तो वो बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड क्या बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड ठीक है अब जब पी और एन मिलेंगे तो पी के पास क्या है खूब सारे होल्स इलेक्ट्रॉन भी हैं बट मेजोरिटी होल्स हैं और एन के पास क्या है खूब सारे इलेक्ट्रॉन एन के पास भी होल्स हैं बट कम है पी के पास भी होल्स है, के पास भी है बट कम है तो होल्स देखो किधर मेजोरिटी में किधर में होल्स किधर है इलेक्ट्रॉन्स किधर मेजोरिटी में एन में मेजोरिटी और पी में माइनॉरिटी और तुमको मालूम है कि जब भी कहीं कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो कंस... मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था फिर बता रहा हूं करंट जो है वो तीन टाइप की होती है

तो फिर बोल रहा हूँ क्या, क्या एक ही टाइप की करंट हो होती है और भी टाइप की होती है और भी टाइप तो बिना फील्ड के भी करंट चला सकते हो खूब सारे चार्ज रखे हुए के के तो, तो भागे फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसेंट इसको नाम दिया गया इसको नाम क्या दिया गया है डिफ्यूजन क्या नाम दिया गया है डिफ्यूजन डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंटेज तुम लोगों ने एक फिल्म है मोहब्बत है देखी है अमिताभ बच्चन की शाहरुख yes, खान वाली yes, देखा है वेरी हाँ, गुड yes, तो उसमें क्या होता है कि एक सीन होता है शाहरुख खान एक बॉयज हॉस्टल होता है उसका नाम है ah. है ना अब वो क्या करता है वो कुछ ऐसे उसमें एक सॉन्ग है मुझे याद नहीं बहुत पहले देखी तो वो ऐसे क्या बजाता है क्या बजते उसको वायलिन बजाता है वायलिन बजाता है गेट खुलता है और गेट खुलता है और अचानक से खूब सारे बॉयज जो हीरोज होते हैं छोटे मोटे उदय चोपड़ा ये सब ये दौड़ते हुए आते हैं बारबेरियंस दौड़ते हुए आते हैं अब वो बारबेरियंस नहीं है हाँ तुमको तो गुरुकुलट नहीं कर रहे तुम लोग कुछ और नाम रखना पड़ेगा ठीक है अब देखो होता क्या है ऐसे समझो जैसे उस मूवीज में मूवी में दो थे बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल तो ऐसे समझो कि तुम्हारा बॉयज हॉस्टल में होल्स हैं पी टाइप है बॉयज हॉस्टल यहाँ है होल्स और एन इलेक्ट्रॉन्स हैं बट बैरियर है बट क्या है

तो क्या वो ऐसे देखो होल्स चलते 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 इधर से चले जा रहे चलते चले जाएंगे इन होल्स को कोई जाने देगा या फिर कोई तो इलेक्ट्रॉन उसको पसंद आ जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो फैमिली बना लेगा पेयर बना लेगा अपना पहले बना लेगा और यहां से एन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इतने सारे वहां पे होल्स हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होल के साथ पेयर बना लेगा ही तो है इनका तो बॉन्ड बना लेगा फिर से तो बॉन्ड बना लेगा तो होता क्या कि ये होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब भी मिलेंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस मिलके जीरो तो वहां पे ये दोनों चार्ज कैरियर खत्म हो जाएंगे तो जहां पे बाउंड्री होती इंटरफेस होता उसके अगल बगल एक छोटा सा लेयर होता है एक रीजन होता है जहां पर कोई चार्ज कैरियर ही नहीं बचता क्योंकि तो चार्ज कैरियर मतलब होल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए क्या बना लिए बॉन्ड तो मैंने ये नहीं बोला कि चार्ज नहीं बचता चार्ज भी तो दो टाइप का होता है भाई अगर कोई सोडियम एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है लेकिन जो सोडियम का न्यूक्लियस उस आता है न्यूक्लियप्ल भी कहीं चलता है प्लस तो कहीं नहीं चलता ना एक स्टेटिक चार्ज होता है अब पी टाइप सेमी पहले न्यूट्रल था उससे होल निकल गए तो उस उसपेट ने, नेट निगेटिव चार्ज आ, आ गया और जो एन टाइप है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस उसपे नेट क्या आ गया पॉजिटिव तो ये वाले जो चार्ज है ये चार्ज कैरियर वाले चार्ज है मोबाइल वाले चार्ज हैं

ये नहीं बोलोगे चार्ज नहीं चार्ज है लेकिन चार्ज कैरियर नहीं है क्या नहीं है कोई चार्ज कैरियर तो तो कि जितने तुम्हारे चार्ज कैरियर थे तुम्हारे बैचलर घूम रहे थे वो लो इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बना के पेयर बना के सेटल हो गए फैमिली बना के सेटल हो गए कोई तुम्हारा बैचलर नहीं बचा सब तुम्हारा एक रीजन है जहां पे कोई बैचलर नहीं बचा अभी आते हैं उस पर गेट बंद हो रहा है ये 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 जो तुम्हारा लेयर होती है इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर क्या बोलते हैं उसको डिप्लेशन डिप्लेशन इज द लेयर अराउंड द इंटरफेस वेयर देयर आर नो चार्ज कैरियर लेफ्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोलो डिप्लेशन लेयर इज द लेयर अराउंड इंटरफेस वेयर देयर आर नो चार्ज कैरियर लेफ्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बोले बात समझ आई आएगी hmm? क्यों नहीं बच्चे

ये देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो शेयर करके बैठे दो दो इलेक्ट्रॉन है होल इसकी जगह इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे बैठ जाएगा तो दो ये बॉन्ड बन जाएगा देखो सिलकोन सिल्कोन से बन जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा ये अब सेटल हो जाएगा अभी कहीं नहीं चलेगा ठीक तो अब मैं तुमको ये बता रहा था कि ये जब ऐसा होता है बाउंड्री बनती है तो ये एन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और पी में क्या आ गया निगेटिव तो एन में पॉजिटिव पी में निगेटिव तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी किधर से किधर पैदा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव तो पी से निगेटिवी एनसीपी ये जो फील्ड पैदा होगी ये क्या करेगी ये है अमिताभ बच्चन ये कि अब तक जिन्होंने चलना था चल लिए जितना होल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करनी थी मेरे आने के पहले कर ली अब गुरुकुल में वही होगा जो अमिताभ बच्चन बोलता है क्या संस्कार वंस्कार कुछ बोलता है नाम अपना कि अब यहाँ पे वो चलेगा परंपरा बाप रे बाप बा प्रभु पूरा याद है तुमको तो तो डायलॉग <laughs> अरे बाप रे अच्छा तो परंपरा प्रतिष्ठा और क्या अनुशासन अब बोलेगा कि होल्स जो जा रहे थे इधर और इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे इधर अब नहीं जाएंगे अब मैं यहाँ पे एक बैरियर लगा दूंगा क्या लगा दूंगा बैरियर अमिताभ बच्चन वो बैरियर है हाँ नहीं है हाँ तो नीचे परंपरा तो अब ये जो तुम्हारा एक बैरियर आ गया अमिताभ बच्चन नाम का वो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एनसीपी के बीच में दीवार बनाएगा वो क्या, वो क्या करेगा पी से जो होल चले आ रहे थे पी से जो क्या बॉज हॉस्टल के कुछ चले आ रहे थे वो छोटे छोटे बताए ना उदय चोपड़ा कौन तीन और थे वो ऐसे चले आ रहे थे पहले बाउंड्री फोन के वो चले आ रहे थे इधर अब अमिताभ बच्चन ने बड़ा सा एक बाउंड्री बनवा दी दोनों के बीच में बाउंड्री बनवा दी जैसे यहाँ पे बैरियर फील्ड है देखो बैरियर फील्ड मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया था ये एक हाइट की तरह है बैरियर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल तो पी लो है तो जो बॉयज हॉस्टल वाला है जो ये वाला गुरकुल वाला ये देखो लो हाइट पे है और इधर जो रैन गैंग वाला हॉस्टल था वो देखो इधर एन पे हाई साइड पे है ठीक अब क्या है कि तुमको बैरियर कर दिया क्या कर दिया बैरियर दीवार बना दी तो दीवार बना दी तो अब वो ना तो होल्स इधर जा पा रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जा पा रहे हैं डिफ्यूजन बंद हो गया क्या बंद हो गया डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहता पहले तो लोग ऐसे खुली आते जाते थे फ्रीली आते जाते थे जब तुम्हारा अंधा बच्चन नहीं थे अब अंधा बच्चन ने बैरियर लगा दिया क्या लगा दिया तो बैरियर और तो दीवार पे उसने एक डोर लगा दिया वही डोर जब शाहरुख खान वो वायलिन बजाएगा तब जब खुलेगा वो तो अचानक से होल भागते हुए आएंगे छोटे छोटे उधर चोपड़ा वगैरह ठीक लेकिन अभी वो बैरियर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है बैरियर अभी वो बैरियर बंद है हाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं दीवार में भी उसने तुम लोगों जैसे लोग तो दीवार में चढ़ने की कोशिश करे तो उसने दीवार पे भी वो कांच वाच नहीं लगाते थे कि अगर कोई चढ़ने कोशिश तो लग जाए उसके तो वो सब भी लगा दिया है बट तब भी कुछ लोगों के पास ज्यादा एनर्जी होती है हैं तब भी कुछ लोगों के पास ज्यादा एनर्जी होती है उसमें भी चढ़े जा रहे हैं संस्कार उसमें भी चढ़ा जा रहा है कांच वाच लगी तब भी उसमें चढ़ा जा रहा है अब अब मान लो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन तो इतनी ज्यादा एनर्जी की डिफ्यूज करेंगे करेंगे हाँ कुछ कुछ थोड़ा बहुत रुक बहुत काफी कुछ रुक जाएगा हाँ कुछ होल्स तब भी डिफ्यूज करेंगे इतनी हाइट पे तब भी चढ़ जाएंगे जंप मार जाएंगे तो इसका मतलब है डिफ्यूजन करंट जीरो नहीं होती डिफ्यूजन करंट कम हो जाती है लेकिन रहती है और डिफ्यूजन करंट किधर से होती है मैं तुमको फिर से बता दू डिफ्यूजन वो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की है पी के होल्स एंड के इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होती है हाई कंसेंट्रेशन टू लो तो होल्स चले पी से एन तब भी करंट पी से एन और इलेक्ट्रॉन अगर एन से पी चले तब भी करंट पी से एन डिफ्यूजन करंट हमेशा किधर किधर से किदर होती है पी से एन लेकिन जो ड्रिफ्ट होती है वो माइनॉरिटी चार्ज वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और वो यहां पे फील्ड कौन है बैरियर फील्ड है कौन सी फील्ड है बैरियर तो बैरियर फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हाई एन है लो पी है तो वो करंट कैसे फ्लो कराएगी एन से पी तो डिफ्यूजन करंट पी कम हो गई और डिफ्ट अगर थोड़ी बहुत क्योंकि तो ये बैरियर ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा थोड़ी बहुत एक आ जाएगी डिफ्यूजन भी थोड़ी बहुत है कुछ होल्स चले गए तब भी बैरियर के बावजूद और कुछ तुम्हारा इधर से पी से की तरफ डिफ्यूजन ड्रिफ्ट भी हो रहा है लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो जो नेट करंट होगी वो होगी बेटा नेट करंट दोनों का डिफरेंस यानी कि डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में से ड्रिफ्ट चला जाएगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो नेट करंट कितनी आ जाएगी जीरो इसलिए एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कुछ समय बाद जीरो करंट देता है कितनी करंट देता है अमिताभ बच्चन ने अब आना जाना बंद करा दिया अब ये बिल्कुल इंसुलेटर बन चुका है कोई कंडक्शन अलाउड नहीं है ठीक अब आएगा शाहरुख खान हम्म को अभी कोई फायदा नहीं है हाँ अभी तो अब अब है फायदा हाँ अब है ना फायदा हाँ। हमें इसको कंडक्टर बनाना नहीं था हमें इसको इंसुलेटर भी नहीं बनाना था हमें इसको चेंज करना था बीच का।, का बनाना था अब वो बीच का वोल्टेज बनाता है अब तक क्या था प्योर एंड सेम पोटेंशियल पे थे तो PN के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो अनबायस्ड। बायसिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी एक के लिए ज़्यादा बायस। तो अगर हम पी को ज्यादा दे, दे, तो दे, दे, तो कर देंगे एन को कम रख देंगे तो हमने पी से एन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया क्या लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है कि अगर ये जो एन से पी की तरफ बैरियर है तो जैसे अमिताभ बच्चन ने क्या था कुछ लोग खड़े कर दिए कि तुम दूर खुलने मत देना इधर दोनों हॉस्टल के बीच में लेकिन शाहरुख खान आने लगा वॉलिन बजाने लगा और कौन <laughs> और कौन सा गाना गाने लगा तो कौन सा गाना था वो पता तो होगा तुम को जरूर जी वाला था चलो जो भी गाना था अरे वो गाना था पैरों में बंधन है अरे छोड़ो छोड़ो रहने दो रहने दो अब उस ये हुआ शाहरुख खान ने वो बजाय बजाया तो वो क्या हुआ तो दौड़ दो, दो, के भागते हुए आए वो जो आए छोटे मोटे हीरो होल्स उनको उन्होंने बोला कि तुम अब इस क्या करो बैरियर के अपोजिट कुछ लोग डोर को लगाए हुए हैं रोके हुए हैं अब वो बोले कि डोर को तोड़ दो तोड़ दो ये दरवाजे को अब वो धक्का लगा रहे हैं

क्या करेंगे धड़धड़ा के जो ये तुम्हारा डिफ्यूजन होगा चल पड़ेंगे सब पी से एन की तरफ और जो एन से भी तो इलेक्ट्रॉन आना चाहते थे तो बिल्कुल बनेगी तो अब P से N की तरफ और N से P की तरफ डिफ्यूजन होने लगेगा करंट खूब बढ़ जाएगी डिफ करेंट तो वैसे माइनॉरिटी की कम होती है डिप्लेशन लेयर बनता लेकिन डिप्लेशन लेबी था एक्सटर्नल भी तो है अब डिप्लेशन उसको रोकने के लिए जो ई बी आया था उससे कई गुना बड़ा तुमने एक्सटर्नल लगा दिया है तो एक्सटर्नल बनने नहीं देगा एक्सटर्नल तो क्या करेगा वो एक्सटर्नल जो तुम्हारा है वो क्या करेगा ये जो तुम्हारा एन में जो पॉजिटिव चार्ज उनको चला देगा ना तो बनने नहीं दे रहे उनको खड़े कौन है दे रहे तो अब जो है तुम्हारा ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है ये शाहरुख खान है ये क्या करेगा बैरियर को तोड़ देगा तो P से N की तरफ N से P की तरफ डिफ्यूजन होने लगेगा। तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी तो समझ में आया? तो फॉरवर्ड बायसिंग तो तो में, में तुरंत करंट नहीं बढ़ती है पहले करंट ऐसे घुटने के दम चलती है फिर अचानक से एक नी वोल्टेज के बाद तेजी से बढ़ने लगती है तो पहले क्यों कम चलती है क्योंकि अभी तुम्हारा जो फील्ड होगा वो बैरियर फील्ड से कम रहा होगा फिर जैसे बैरियर टूटा अचानक से करंट बढ़ गई तो जैसे बैरियर टूटा अचानक से करंट तो बढ़ गई चलो अभी सोचते हैं है चलो तो मैंने क्या बताया कि एक नी वोल्टेज के बाद अचानक से करंट बढ़ने लगती है वोल्टेज के बाद अचानक से करंट बढ़ने लगी तो अब मुझे बताओ अचानक से जब करंट बढ़ रही है ये ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है तो क्या इस ग्राफ के जो स्लोप है, है इस ग्राफ की स्लोप क्या I v, IV ग्राफ है, है, है? इन्फिनिटी जाएगा तो क्या रेजिस्टेंस जीरो की तरफ जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस देता है शाहरुख खान जब तुम लगा देते हो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं फ्री रहा है आओ जाओ मैं? PN junction, forward bias में कितना resistance देता है, Zero. Zero. है? Zero. लेकिन अगर रिवर्स बायस है और ordinary circumstances है तो तो तुमने तुमने बहुत बड़ा voltage नहीं लगाया में में अगर को को रखा तो तुम बैरियर को और बढ़ा दोगे तो बैरियर को और बड़ा कर दोगे इसका मतलब तो फिर नहीं हो पाएगा और क्या में, तुम अगर देखो जीरो तो नीचे वाला एक भूल जाओ वर्टिकल तो ऑलमोस्ट जीरो तक है और अगर इसकी स्लोप बेटा जीरो है और इसकी स्लोप वन अपॉन रेजिस्टेंस है तो वन अपॉन तो रेजिस्टेंस अगर जीरो रेजिस्टेंस कितना इनफिनिटी एक पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग करने पे वो कंडक्टर भी बन जाता है इंसुलेटर बन जाता है यही तो फायदा है अब समझे कि पीएन जंक्शन डायोड अनबाइस में फायदा नहीं है फायदा है उसकी बाइसिंग में फॉरवर्ड में वो जीरो रेजिस्टेंस देता है और रिवर्स बाइसिंग में वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस देता है बोलो फॉरवर्ड बाइसिंग में कितना जीरो रिवर्स बाइसिंग में कितना इनफिनाइट क्यों परेशान क्यों तुम दोनों लोग क्या दिक्कत है तुम लोग के चेहरे से लग रहा है तुम दोनों लोग बहुत परेशान हो तुम दोनों अच्छा पर दिव पर सर हाँ, बोलो फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है नहीं ड्रिफ्ट डिफ्यूजन में ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में कैसे होता है डिफ्यूजन हमेशा होता है तो अपोजिट है ना तो

तो इस, इसका भी हो जाएगा और अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ इससे तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी तुम्हारा उनसे इलेक्ट्रॉन टूट टूट के निकलने लगे रिवर्स में एक बहुत बड़े वोल्टेज पे तो तुमको मालूम है कि चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो क्या करेंगे बाकी चार को भी कहेंगे भाई हॉस्टल से चार निकले तो बोले कि तुम भी चलो तुम भी चलो फिर बोले अरे तुम भी चलो तुम भी चलो ऐसे करके अगल बगल को बुलाते हुए चार से चालीस चालीस से चार इसी को तो बोलते हैं एवलांस क्या बोलते हैं एवलांस क्रांति लादी को तो चलो 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 पूरा हाँ, तो होता है तो तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे वो बाकी सबसे टकराएंगे उन टकरा के उनको एनर्जी देंगे तो वो उनको भी साथ में ले लेंगे अब वो हो गया। एक इसका ऐसे में बताया था कि कुछ फिर अपने साथ और को ले चला हाँ बर्फ वाला जो होता है माउंटेन वाला इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो बाकी को भी बोलेंगे चलो मेरे पार्टी तो ये सब साथ में चलने लगेंगे तो ये एवलांस है क्या है एवलांस तो भड़का दिया शाहरुख खान ने सबको तो चार को उसने बोला चार उसके चेले थे और चार चेले और हॉस्टल के लोगों को बुला लाए और सबको बिल्कुल बस लगा दिए इसी में तो ये तुम्हारा ब्रेकडाउन एवलांस में अब लेकिन एवलांस ब्रेकडाउन में सिर्फ एक चेंज कर दें कि डोपिंग बढ़ा दें डोपिंग से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल बढ़े जाते हैं

और ये जो रिवर्स में छोटी-बोटी करंट थी उसको लीकेज करंट बोलते हैं क्या बोलते हैं लीकेज करंट अब मैंने तुमको ये डायोड रेजिस्टर सर्किट करा दिए सर। थे आप बोलो सर ड्रिफ्ट करंट तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना <laughs> ये कह रहे तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो फील्ड की बेस होती है पॉजिटिव n है और नेगेटिव p है तो n से p की तरफ जा रही है फॉरवर्ड पास में पॉजिटिव p होगा ना यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर फील्ड की वजह से जो हो रही है उसको हम लोग यहां पे ड्रिफ्ट बोल रहे हैं और जो पी से एन की तरफ चल रहे हैं वो कंसंट्रेशन की वजह से चल रहे हैं और जब एक्सटर्नल फील्ड है तो उस एक्सटर्नल फील्ड भी उनको सपोर्ट कर रही है उसको हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं ड्रिफ्ट नहीं बोल रहे उसको डिफ्यूजन बोल रहे उसका नाम ही डिफ्यूजन यहां पे ठीक है okay, yes. अब ये डायोड डाय सर्किट हो गया रेक्टिफिकेशन करा दिया था, था आ, ये बता दिया था डायवोड अच्छा चलो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट हो जी एक रजिस्टर है और यहां पे एक वायर है ऐसे इसके शॉर्ट सर्किटिंग वायर ऐसे एक सिंपल वायर है जीरो पे आई अब वो जा सकती है दो पार्ट से बढ़ सकती है तो ये जो जर्मिनियम और सिलिकॉन थे तुमको मालूम है कि एक पीएन जंक्शन डायोड क्या है शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस ही है जब वो फॉरवर्ड बायस बनता है लेकिन बनेगा पहले कौन सिलिकॉन 0.7 पे जर्मिनियम 0.3 तो पहले जर्मिनियम बन जाएगा इसलिए वो शॉर्ट सर्किटिंग वायर बन गया शॉर्ट सर्किटिंग वायर से तो जाती है पूरी जा क्योंकि क्यों, वो पॉइंट थ्री है पहले तो तुम्हारा पॉइंट थ्री को वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होगा ना पॉइंट सेवन पे तो बाद में होगा पॉइंट छोटा है इसलिए हाँ भाई अरे मान लो तुम वोल्टेज जीरो कोई नहीं हो रहा है अब जीरो से तुमने बढ़ाया जीरो पॉइंट वन कोई नहीं हुआ जीरो पॉइंट टू कोई नहीं हुआ जीरो पॉइंट थ्री दोनों हो गए कि एक हुआ कौन सा हुआ हाँ फिर जीरो पॉइंट फोर करोगे तब तो सिलिकॉन के पास पहुंच रहे हो जीरो पॉइंट सेवन हो गए कब जाके सिलिकॉन होगा तो पहले कौन हुआ चलो आगे बढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन बता दिया था अच्छा बता दिया था चलो अब जैन जैनर रह गया था ना चलो जैनर देखो समझो

तुम रोज बढ़ाते यार पिछली बार तुम दो हजार बोल लेते तुम पांच हजार बोल रहे हो ऐसे तुम बढ़ते बढ़ते तुम दस से दोगे। दिद्रीक। और, दिद्रीक। हैं? और अपने अपने बगल में तुम देखो उसको पूरा याद है परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन तो ऐसा है कि डायोड में अगर तुम डायोड को ग्राफ को देखो डायोड के ग्राफ को देखो भाई देखो डायोड के ग्राफ को देखो डायोड के ग्राफ में जब वो रिवर्स बायस पे होता है तो तुम एक खास चीज देखो रिवर्स बायस में जब ब्रेकडाउन होता है तो करंट तो बढ़ रही है करंट है, है एक्सिस पे करंट बहुत तेजी तो से बढ़ रही है बट वोल्टेज कांस्टेंट हो गया वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है और वोल्टेज कांस्टेंट हो गया यानी कि वोल्टेज स्टेबल हो गया वोल्टेज स्टेबल मतलब स्टेबिलाईजर यानी कि ऐसी जगह जहां पे हम वोल्टेज को स्टेबल करना चाहते हैं स्टेबलाइज करना चाहते हैं जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर वोल्टेज पुराने जमाने में टीवी में लगते थे एस टी अभी, अभी लगते हैं और जब भी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता तो स्टेबलाइजर सबसे पहले वही खराब हो जाता है <laughs> लेकिन होना ये चाहिए कि उसको वोल्टेज को स्टेबल रखना है क्या रखना है स्टेबल तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम लोग डायोड को यूज कर सकते हैं एज वोल्टेज कैसे कर सकते हैं तो देखो मैं तुमको बताने जा रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायोड जिनको बोलते हैं जेनर जेनर डायोड 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 एक नॉर्मल ही होते हैं बट पहली चीज इनको रिवर्स में चलाते हैं रिवर्स बायस में चलाते हैं क्या तुमको मालूम है कि रिवर्स बायस में एक बार जब ब्रेकडाउन हो जाए तो ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाता है और जेनर डायोड सिंपली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है बट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हैवी डोपिंग कर दी जाए बहुत हेवली डोप्ड बना दी जाए हेवली डूप्ड पीएन जंक्शन डायोड, और उनको रिवर्स बायस में चला दिया जाए तो वो जेनर डायोड कहलाते जेनर एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे इनको जेनर डायोड कहते हैं अब जब भी तुम इनको क्या करोगे ब्रेकडाउन की कंडीशन पे ले आओगे तो इनके जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वीजेट वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे यहां ग्राफ में इन्होंने कांस्टेंट दिखाया और मैंने भी दिखाया है अब इसको एक सर्किट में यूज करते हैं ये देखो तो एक सर्किट है इसमें यहां ये वी है वेरिएबल वोल्टेज ये वी एक वेरिएबल वोल्टेज है और मैंने डायोड लगाया है डायोड का तुम लोगों को सिंबल बताया था कि क्या होता है एक ये एक ये होता है एरो और एक क्या होती है लाइन लेकिन जेनर डायवोड को बनाते वक्त ये जो एरो होता है उसके साथ लाइन नहीं दिखाते उसके साथ जेड दिखाते हैं क्या दिखाते हैं जेड जेड फॉर जेनर जेड फॉर जेनर ये जेड बना हुआ है जी जेनर का सिंबल है कर्व है इसको ऐसे स्टाइलिश टाइप का बना दिया जो जेनर डायोड है वो रिवर्स में चलाते हैं अब देखो यहां पे ये जो वेरिएबल वोल्टेज लगा हुआ है इसमें मैंने ये ये पी है ये एन है एन को दिया है हाई और पी को क्या दिया है लो एन को हाई और पी को लो तो क्या ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है अब मैं क्या करूंगा इस वेरिएबल वोल्टेज को ये कोशिश करूंगा कि वो चलो भाई एन हाई है पी लो है नेगेटिव सेंस में तो हाई बट उसका जो मैग्नीट्यूड रहे वो जेनरल वोल्टेज से इक्वल टू रहे यानी कि इधर रहे और इधर कितना भी तुम वोल्टेज करा लो ये तो तो कांस्टेंट, इसके डायोड के वोल्टेज कांस्टेंट ही है। तो अब ये क्या होगा कि इस, इस जो है उससे एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, 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 है जो कि वेरिएबल वोल्टेज को विदस्टैंड नहीं कर पाएगी वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा फ्यूज हो सकती है हम उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहते हैं क्या चलते हैं? उसके

लोड में करंट यू चली गई चली गई अब होगा क्या कि ये जो इसके टर्मिनल है इस जेनर डायोड के प्योर क्यू मैंने तुमको बताया कि जब जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है तो जेनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ जेनर डायोड, वोल्टेज कांस्टेंट हो चुका है और उसकी वैल्यू हो चुकी ये वीजेट, ये वीजेट है वीजेड ये वीजेड है हाँ जहां पे ग्राफ की कांस्टेंट वैल्यू आती है तो जो टर्मिनल और क्यू जेनर डायोड के हैं वही टर्मिनल और क्यू लोड के हैं तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज जेनर वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज और क्यू के अक्रॉस होगा वही कांस्टेंट वोल्टेज तुमको लोड के अक्रॉस मिल जाएगा तो अगर तुमको लोड के अक्रॉस वही कांस्टेंट वोल्टेज मिल गया वी जेडीप

अब ये जेनर डायोड के वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो जो जेनर के टर्मिनल है वही लोड के टर्मिनल है अब अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया तो लोड में करेंट कितनी जाएगी तो लोड में करेंट जाएगी वी इजल टू आई आर से तो अब इस लोड में वोल्टेज कांस्टेंट है लोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लोड में करंट कांस्टेंट है तो अब ये तुम्हारा लोड इस वेरिएबल वोल्टेज से बिल्कुल अनटच उसको कोई मतलब नहीं है वेरिएबल वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है उसके टर्मिनल्स के के अक्रॉस अक्रॉस प्योर क्यू जेनर वाला वोल्टेज आ चुका है और ब्रेकडाउन हो चुका है जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज है तो इसका मतलब है कि लोड हमारा एक कांस्टेंट वोल्टेज पे आ गया उस वेरिएबल वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ में आया तो ये तुम्हारा वोल्टेज स्टेबिलाईजर की तरह तो गया, उसका अगर, तो अगर करंट कम कर दी जाए तो देखो ये करंट से नहीं है, ये से है। हाँ, तो अगर तुम जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो है तो ही से गए उसी मटेरियल में गई हैं बस वो बॉन्ड तोड़े हुए हैं वो तो रिकम्बिनेशन की वो मौका तो ढूंढते ही रहते तो फिर से रिकम्बेड हो जाएंगे बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगा फिर से इंसुलेटेड बन जाएगा तो अब ये जो जेनर डायोड है इसको हम लोग किसकी तरह यूज कर सकते हैं वोल्टेज है। क्योंकि ये अपने के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा ठीक तो अब इसका यूज करके हम लोग एक सर्किट बनाते हैं और ये एक क्वेश्चन है ये मैं हटा देता हूं सर यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा तो करंट और ये वोल्टेज बिल्कुल बढ़ेगी देखो ये रहा रह

किस सर्किट में इसका कर सर्किट में तो इसमें कैसे ज्यादा हो जाएगी बेटा जब जनरल वोल्टेज कांस्टेंट है रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो ज्यादा क्यों होगी विजेट भाई यार होगी यस yes. तो अब ये क्वेश्चन करके बताओ ये जेनर डायोड है जिसमें लिखा हुआ है कि लोड 6 किलो ओम है 0.5 किलो ओम में 4 मिली एंपियर की करंट है तो लोड में करंट बतानी है करो करके बताओ करके बताओ चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा चार है थर्ड वाला वन पॉइंट थ्री थ्री अच्छा ठीक तो करोगे नहीं <laughs> अरे यार तुम लोग तो मतलब एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम सिनेरियो वाले लोग हो तुम्हारी तबियत तो बाकी तो तो करने दो बाकी का माहौल बना रहे हो सारु काम की तरह <laughs> तुम लोग तो करो बाकी लोग तो करो, तो करो। नहीं तुमको भी करना है तो सर्विस कंप्लीट है

निकाल सकते हो तुम जनरल वोल्टेज कैसे निकाल सकते हो देखो तो मैं निकालने आ रहा हूं इस पॉइंट फाइव किलो ओम में करंट दे रखी है करंट कैसे चलेगी तो करंट चलेगी एनसीपी एन एनसीपी पी यू चली यहां पर आके वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुए फिर जुड़ के इधर सर्किट में चली गई पॉइंट फाइव किलो ओम में करंट कितनी है फोर मिली पियर ये फोर मिलियम पियर है yes, तो इस पॉइंट फाइव में जब ये फोर मिलियमपियर जाएगी तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो मैं से इक्वेशन लिखना स्टार्ट आई आई कितना फोर मिलियमपीय टेन पॉल माइनस थ्री कहां पहुंच गए तो ये बन गया वी ए यानी कि ए का जो भी पोटेंशियल है वीपी का पोटेंशियल उससे टू वोल्ट कम है ए का पोटेंशियल पी के पोटेंशियल से टू वोल्ट ज्यादा या ए से पी तक जाने में टू वोल्ट का ड्रॉप है तो ए से बी के बीच में टेन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था बी को जीरो मान लो बी और क्यू तो सेम पोटेंशियल पे है बी और क्यू सेम पोटेंशियल पे है सेम वायर सेम पोटेंशियल लेकिन ए और पी सेम पोटेंशियल पे नहीं है पी का पोटेंशियल ए से टू वोल्ट कम है तो क्या अगर ये दस वोल्ट है तो दस से दो वोल्ट कम होने के बाद पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस टेन माइनस टू कितने वोल्ट आएगा एट समझ में अरे यार तुम लोग जो है करंट डेंसिटी भी एक बार दोबारा लगाओ क्या पी और के -पी क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी होगा यस yes, सर Vp Vq, Vp को क्या लिख सकते हैं वीपी को ये लिख सकते हैं वीए माइनस टू और वी क्यू को क्या लिख सकते हैं वीवी अभी तो बोला क्यू और बी सेम पोटेंशियल पे सेम सेम पोटेंशियल तो ये बन गया वीए माइनस वीवी माइनस टू वी ए माइनस वीबी की वैल्यू टेन है तो टेन माइनस टू कितना हो गया एट आप समझ में आया क्या लगा दिया इसमें कौन सी बड़ी चीज कर दिया ये तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे करते हैं तो इसका मतलब है कि जो प्योर क्यू है जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल आ रहा है एट वोल्ट अब अगर जेनर तो ये एट वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा क्योंकि तो 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 वो आनी चाहिए एट वोल्ट डिवाइडेड बाई सिक्स किलो ओम एट अपॉन सिक्स फोर बाय थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन पॉल माइनस थ्री एम्पियर यानी पॉइंट थ्री थ्री मिलियन समझे अब समझा गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हैं हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तीन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो लाइट को या तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करें जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी एलईडी क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट या फोटो सेल फोटो सेल तुमने देखा होगा आजकल मेट्रो में या तुम्हारा लिफ्ट में ऐसे डोर लगे होते हैं कि तुम खड़े हो जाओ ऑब्स्ट्रक्टर दो तो वो बंद होना बंद हो रहे होते हैं, रुक जाते हैं और जैसे ही हटते हो तो तुम्हारा फिर उनको जगह मिलती है वो बंद हो जाते हैं इसका मतलब वो सेंस कर लेते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है उनमें डायोड लगा होता है और वो लाइट के लिए फोटो के लिए मतलब के लिए सेंसिटिव होता है उसको बोलते हैं फोटो डायोड है, तो हाँ अगर तुम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दोगे तो उसकी वजह है अगर तुम उसको ऑब्जेक्ट कर दोगे तो एक लाइट की बीम जा रही है अब वो बीम नहीं जा पा रही है बीम जब तक जा रही थी तब तक वो करंट फ्लो कर रही थी सर्किट में डाइवोट फ्लो कर रहा था और जैसे ही तुमने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया तो उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही और वो बहुत सेंसिटिव है अगर एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो करंट सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक एक लूप है वो लूप कंप्लीट नहीं हो रहा करंट हो नहीं पा रही तो बंद करे कैसे समझे तो फोटो डायोड है वो क्या करता है वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो सोलर सेल है वो भी यही करता है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है बताऊंगा और एलईडी क्या करता है इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करता है तो ये तीन डिवाइसेस फोटो डायोड सोलर सेल और लाइट एमिटिंग डायोड को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहला है फोटो डायोड कौन सा डायोड फोटो डायोड फोटो डायोड।, डायोड का मतलब ये है कि हम यहां पे एक डायोड लेते हैं अब तुमको मालूम है कि डायोड हो

तो फोटो डायोड बिल्कुल ऐसे ही काम करता है इसमें तुम्हारा लाइट ऊपर से डाली जाती है और ये देखो मैंने यहां कर देते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग इसलिए कर देते हैं कि जिससे ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे उल्टा एब्जॉर्ब करे क्योंकि तो हमें रिफ्लेक्शन कराना है कि एब्जॉर्बन कराना है एब्जॉर्ब करेगा तभी तो बॉन्ड्स टूटेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पे ये पीएन जंक्शन डायोड में ऊपर से लाइट डालेंगे अभी ऊपर से जो लाइट डाली गई इस लाइट से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बने जब तुम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक में तुमने डाला तो नए इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना अभी जो नए इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा ये तुमने किसी देखो बैटरी से कनेक्ट कर दिया बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो जो होल होंगे पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव से निगेटिव चलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन चलेंगे लगेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव तो यानी कि करंट आने लगेगी तो अब ये, ये जो करंट आने लगेगी देखो ये पी से इधर ये जो एरो इन्होंने बनाया इलेक्ट्रॉन का बनाया हाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बनाया करंट का नहीं बनाया ये जो छोटी छोटी बॉल्स है किसकी है इलेक्ट्रॉन की है तो ये छोटी छोटी बॉल्स जो ये वाली है जो पॉजिटिव की तरफ आ रही है इलेक्ट्रॉन है और अगर तुम देखो एक दूसरी बॉल है एक लाइट कलर की वो कौन से होल्स तो होल्स आ रहे हैं माइनस की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो प्लस की तरफ दोनों अलग अलग दिखाए ठीक है तो ओवरऑल हमको एक करंट मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव समझ में आया तो ये जो तुम्हारे लाइट को सेंस करके जब लाइट पड़ेगी तो उनमें खूब सारे चार्ज कैरियर है तो कंडक्टिविटी है और अगर लाइट नहीं पड़ी तो कंडक्टिविटी नहीं है तो यही तो होता है तुम्हें तो बता तो होता है लाइट है मतलब वो क्या करते हैं डोर में अंदर ही तुम्हारा वेव्स वेव्स को छोड़ने छोड़ने का का वो टाइप की होती है उनको का तरीका है अब वो जब एनर्जी पड़ रही है रेडिएशन पड़ रहा है तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है लेकिन अगर तुमने उस रेडिएशन को नहीं पढ़ने दिया इलेक्ट्रॉन होल नहीं बनेंगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाएगी तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इसको बोलते हैं फोटो डायवर्ट क्या बोलते हैं फोटोडाट ठीक बाकी तुम्हारा बहुत थ्रोटिकल है इसमें बस ये है कि फोटो डायोड जो होता है नॉर्मली हम रिवर्स बायस मैनर में लगाते हैं रीजन क्या है कि रिवर्स बायस में तुम्हारा क्या है कि छोटे से चेंज करने पे वोल्टेज यहां वाले रीजन में अचानक से करंट बढ़ जाती है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कि छोटा सा वोल्टेज चेंज करो करंट बढ़ जाए मतलब सर्किट तेजी से कंप्लीट हो जाए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं फोटो डायोड को रिवर्स बायस मैनर में लगाते हैं इसी टाइप का तुम्हारा सोलर सेल होता है सोलर सेल भी यही करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बट सोलर सेल को ना तो रिवर्स बायस देते ना तो फॉरवर्ड बायस क्योंकि बायसिंग करने में वोल्टेज लगाना पड़ता है लेकिन सोलर सेल में भी बैटरी लगाओगे क्या यार सोलर सेल में भी बैटरी लगाओगे तो सोलर सेल का फायदा क्या क्या बोलोगे सोलर सेल चला रहे हैं, बैटरी लगा के चला रहे हैं सोलर सेल सोलर सेल तो खुद ही बैटरी की तरह काम करता है ना एनर्जी के सोर्स की तरह इसलिए सोलर सेल अनबायस्ड होता है कोई बैटरी नहीं लगती ना फॉरवर्ड ना रिवर्स सोलर सेल क्या होता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसमें क्या होता है कि सन से एनर्जी डाल देते हैं अब सन से एनर्जी डालोगे तो उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होगा क्यों होगा क्योंकि जब हम एनर्जी देते हैं किसी बॉन्ड को तो बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है हर बॉन्ड टूटेगा जब भी एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा बॉन्ड से तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा इसलिए इलेक्ट्रॉन होल बनता है तो हमने वो एनर्जी पहले टेम्परेचर से दे रहे थे अब वो हम सन के रेडिएशन से दे रहे हैं तो अगर सन के रेडिएशन ने एनर्जी दी और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने और कोई बायसिंग ना दो तब भी वो चलने लगेंगे कौन क्यों क्योंकि तुमको मालूम है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी हमारे पास होता है इंजेक्शन डायोड के भीतर जिसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज पॉलीडेक वोल्टेज बैरियर वोल्टेज ऑलरेडी एक वोल्टेज है वोल्टेज बट ये क्या कर रहा था पहले इतना नहीं चला पा रहा था क्योंकि पहले इसके पास क्या था बैरियर वोल्टेज माइनॉरिटी को चला रहा था क्योंकि एन के पास होल्स नहीं थे एन के पास इलेक्ट्रॉन थे और पी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो जो बैरियर वोल्टेज है वो क्या कर सकता है एन के होल्स को तो चला ही सकता है ना लेकिन एन के पास होल्स थे नहीं पहले अब आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे कि तुम अगर सोलर रेडिएशन जा दो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या होगा भाई सिलिकॉन और फास्फोरस ही तो होगा सिलिकॉन और फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन टू टूट के निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो की वैकेंसी भी बनेगी होल्स भी बनेंगे और वो होल्स तुम्हारा इस बैरियर वोल्टेज की वजह से चलने लगेंगे तो अगर बैरियर वोल्टेज की वजह से विदाउट एनी तुम किसी पीएन जंक्शन डायोड को चलाओ तो वो सोलर सोलर सेल की तरह काम करेगा सोलर एनर्जी आई बॉन्ड्स टूटे इलेक्ट्रॉन होल बने बैरियर फील्ड की वजह से बैरियर वोल्टेज की वजह से चलने लगे करंट आ गई तो तुम्हारा सोलर सेल बन गया अब वो जो करंट है वो तुम किसी भी लोड पे लगा दो तो वो वोल्टेज भी देगा क्या देगा वोल्टेज समझ में आया सोलर सेल कैसी होती है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के अनबायस और फोटो डायवर्ट कौन सी होती थी रिवर्स सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी और इसी का उल्टा होता है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी सबने देखा घर में एलईडी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अरे टीवी में रिमोट में भी तो लगी होती छोटी सी एलईडी यस इसको तोड़ दें अरे यार अच्छा तुम्हारा मोबाइल भटक दे तो कैसा है उसमें भी होता है वो उसमें भी होता है चार्जर में भी होता है एलईडी में, में बत... ना होता है लेकिन डायवर्ट तो होता है मोबाइल दो अपना चार्जर दो अच्छा अपना दो भाई तुम्हारे में ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारा ज्यादा अच्छा मोबाइल अच्छा चलो सर

कौन सी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यस yes, हाँ जहां पे भी ऑटोमेटिक डोर सेंसर होते हैं जो एनर्जी को सेंस करते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं डायोड अब आते हैं लाइट इमेटिंग डायोड एलईडी तो यार सबने देखी यार घर में इसमें कौन सी बड़ी चीज है ऐसी जिस ना देख। हाँ, हाँ। देखो ऐसा है बॉन्ड को कैमरे में एलईडी नहीं है वो में लगी है, वो है, हाँ ये 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 थोड़ा और भी ये भी ये देखो म्यूजिक जाता जाता तोड़ मेरा मेरा वो वो तो कैमरा तुमको तोड़ मेरा इसमें जाएगा ठीक है तोड़ <laughs> थो। मेरा उसमें कोई नुकसान तो है अब <laughs> तो मैं जोड़ दूंगा क्या तो अब देखो लाइट डायोड क्या होता है जो फोटो डायोडो सोलर सेल करते थे लाइट इमिटिंग डायोड उसका उल्टा करता है फोटो डायोडो सोलर सेल क्या करते थे उनपे एनर्जी पड़ती थी एनर्जी आती थी एब्सॉर्ब करते थे बॉन्ड टूटता था बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी तो वो होल और इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो इसका उल्टा ये भी है कि अगर तुम्हारा होल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अनस्टेबल से स्टेबल बनेंगे बॉन्ड बनाएंगे फैमिली बनाएंगे स्टेबल हो जाएंगे स्टेबल का मतलब लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी क्या होगी रिलीज भाई जब बॉन्ड को एनर्जी देते हो तो टूटता है होल इलेक्ट्रॉन बनते हैं yes. तो अगर तुम्हारा वही एनर्जी तुम होल इलेक्ट्रॉन तुम जब रिकम्बाइन कर दोगे तो वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी एक yes. बार फिर से बताता हूं जैसे मेरे हाथों को देखो ये है वैलेंस वैलेंस बैंड 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 ये कंडक्शन कंडक्शन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन से आता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन होता था नॉर्मली बॉन्ड में अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चल के आया तो वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन और जहां उसने छोड़ा वहां क्या बन गया होल तो इलेक्ट्रॉन को यहां वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में कितनी एनर्जी की जरूरत होती थी फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी की जरूरत होती थी तो इतनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया बट इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर रहना चाहेगा कि नीचे भी आएगा तो अगर तुम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आओ तो वो अपने फिर से होल की पोजीशन पे ब्लॉक हो जाएगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल आता है कि नहीं तो अब ये जो एनर्जी निकल रही है वो है क्या इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी निकलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है तो अगर तुम्हारा होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो और हर पीएन जंक्शन डायोड में होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कम होते हैं या ज्यादा होते हैं इस पे डिपेंड करता है तो मैं क्या करूं एक पीएन जंक्शन डायोड लूंगा उसको फॉरवर्ड बायस कर दूं फॉरवर्ड बायस करने से क्या वो यहां से होल चले और यहां से इलेक्ट्रॉन चले और मैं तुमको बोला था कि आपस में रिकंबाइन होते हैं और रिकंबाइन होंगे तो एनर्जी निकलेगी कितनी एनर्जी निकलेगी तो बैंड गैप के बराबर निकलेगी अब होता क्या कि नॉर्मली एलिट जो होते हैं क्या मैंने तुमको बताया था कि उनका जो बैंड गैप होता है वो जीरो से थ्री के बीच में होता है yes, जीरो से थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर तुम निकालो ई इज इकॉल टू एस सी बाय लेमडा से बारह हजार चार सौ इकतीस बाई से तो तुमको बताया कि लेमडा की वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड फोर थर्टी वन बाई

या इंडियम सिलिकॉन जर्मेनियम के स्पेशल मटेरियल बनाए गए हैं जिनका जो बैंड गैप होता है वो उसी रेंज में होता है जिस रेंज में विजुअल एनर्जी के फोटोन लाइक करते, करते हैं अगर वो येलो के बैंड गैप के बराबर हुआ तो वो येलो कलर की का। येलो का बैंड गैप कितना है तो रेड देगा तो वो जो रिमोट में टीवी के रिमोट में जो रेड कलर की लगी रहती है एलईडी लगी रहती है, तो मतलब है एलईडी होगी हो तो अलग अलग कलर की एलईडी इसलिए बनती है क्योंकि अलग अलग डाइवर्ट का अलग अलग बैंड गैप होता है अलग अलग क्या होता है बैंड गैप, गैप। आई अलग अलग क्या होता है बैंड गैप अब वो जो बैंड गैप होता है बस ये चीज बता दो बैंड गैप जो होता है वो बैंड गैप जिस रीजन में लाइक करेगा उस रीजन की तुम्हारी रेडिएशन निकलेगी ब्लू ग्रीन येलो या रेड तो हमारे घरों में जो व्हाइट कलर की एलईडी होती है उसमें क्या होता है उसमें वायलेट येलो और रेड इक्वल प्रोपोर्शन में होता है ब्लू येलो और रेड ब्लू रेड स्पेक्ट्रम के दो एंड बीच का येलो मिला दो तो व्हाइट कलर मिल जाती तो वैसे सब का होती है तो व्हाइट कलर कोई व्हाइट कलर एलईडी नहीं निकाल सकता क्यों क्योंकि एक white color, white color ही नहीं होता है से रेड के बीच में होता है कुछ तो नहीं तो तो है तो वो जो व्हाइट कलर की एलईडी होती है वो एक्चुअल में तीन एलईडी का मिक्सचर होता है तो फिर से स्पेक्ट्रम बन जाएगा फिर से स्पेक्ट्रम ठीक है तो अब चर, ये जो एलईडी हाँ बोलो सर तो फिर गैसेस का यूज क्यों होता है गैसेस का यूज एलईडी में हाँ टाइवोड एलईडी का मतलब लाइट मिटिंग डायोड गैसेस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर हम एयर भर देंगे तो जो एयर होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है उसका इससे कोई मतलब नहीं है हमारे फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है वो केमिस्ट्री है कि एयर जो होती है वो चीजों में जैसे जंग लगाती है ऑक्सीडाइज करती है मटेरियल को बर्न करती है अगर तुम एक नॉन रिएक्टिव गैस भर दोगे बल्ब में तो वो क्या करेगी एयर की तरह ऑक्सीडाइज नहीं करेगी तो मेटल की लाइफ बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है समझ गए यहां पे गैस का कोई रोल नहीं है लाइट एमिटिंग डायोड में रोल है पीएन जंक्शन डायोड का इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन का बैंड गैप का और बैंड गैप के बराबर E h न्यू no, या hc λ के बराबर जो वेवलेंथ निकलेगी वही हमारे विजुअल रीजन में करनी चाहिए तो हम जानबूझ के ऐसे बुझेल बनाते तो हैं कौन कौन सा एक मैंने लिखा है एक इंडियम फॉस्फाइड तो गैलियम इंडियम फॉस्फाइड की खासियत है कि इनका जो बैंड गैप है इजी वो विजुअल रीजन में लाइक करता है जिससे लाइट निकले तो दिखाई तो दे नहीं तो इन्फाइड इन्फाइड में निकलगी तो कहां दिखाई देगी इन्फ्राइटो नहीं दिखती ना नॉर्मली डी निकालते हैं एलईडी सारे एलईडी सारे डायोड में होल्स और इलेक्ट्रॉन कम्बाइन होते हैं सब में एनर्जी निकलती है लेकिन वो दिखती नहीं है इन्फारेडी में होती कम होती है तो ज्यादा एनर्जी ले आओ तो हमें दिखाई देगी समझाएगी बात तो आप मुझे बताओ ये तीन टाइप के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें फोटो डायोड कौन सा होता है जो रिवर्स में होता है कहां यूज होता है जो सेंसर्स में डोर सेंसर्स एलईडी क्या लाइट इमिटिंग डायोड

तो सर उसमें कौन सा सर उसको आपस फोन करके तो आना पड़ेगा ना उस सेल को जैसे बताया जरूरत हुई ना कि वहाँ पे हम यही यूज करें और भी हो सकते हैं ना उसके देखनी पड़ेगी ना वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हो सकता है कि हाँ बिल्कुल रेडियो वेव्स हो सकती हैं कुछ और भी हो सकता है जरूरत है ना डायोड चलो ये समझ में आ गया सर बोलो बोलो सर ये मतलब जो एलईडी घर में लगी होती है तीनों तरह तो के ब्लू रेड और येलो एक साथ रिलीज तो तो करती है व्हाइट कलर जो होता है वो तीनों का मिक्सचर होता है उसमें तीनों होती है व्हाइट अपने आप में तो कोई कलर होता नहीं है तो हम एक ऐसी कोई एलईडी नहीं बना सकते जो खुद ही व्हाइट कलर दे व्हाइट कलर व्हाइट कलर कुछ होता है क्या उस पूरे स्पेक्ट्रम में चार हजार से सात हजार में व्हाइट व्हाइट अपने आप में कोई कलर है क्या नहीं है ना सर और येलो 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 550 येलो होता है 550 55 येलो चलो सर सर इस ग्राफ में जो डिफरेंट कलर्स इस है इसमें रेड और वाइट एक्सट्रीम्स होते हैं तो ग्रीन और ब्लू इनके बीच में क्यों नहीं है रेड और वाइट एक्सट्रीम नहीं है रेड और ब्लू एक्सट्रीम्स है okay. चलो ये डायोड खत्म अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर

तीन टर्मिनल है अब तुम्हारे पास सेमी प्योर एन तो अब इन पी और एन को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है या तो दो पी क्योंकि तो तो या तो दो एन एक कर दें। तो अगर दो पी एक एन किया तो उसको बोलेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर दो पी एक एन अगर कनेक्ट किया इधर पी है इधर पी है बीच में एन जैसे सैंडविच होता है कैसा होता है सैंडविच इधर ब्रेड इधर ब्रेड और बीच में बटर की लेयर या फिर कुछ भी तुमने अंदर भरा हुआ है हाँ तो थ्री टर्मिनल तुम्हारे पैदा करने हैं तो दो पी के बीच में या तो एक एन को फ़सा दो तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और या तो दो एन के बीच में एक पी को फंसा दो तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा NPN. npn तो ट्रांजिस्टर दिखने में एक सैंडविच के जैसा होता है इसके जैसा होता है सैंडविच जिसमें दो p के बीच में या तो n की लेयर सैंडविच की जाती है और दो n के बीच में या तो p की लेयर सैंडविच की जाती है तो pnp या npn दो टाइप के ट्रांजिस्टर बन सकते हैं ये अलग बात है कि अगर pnp ट्रांजिस्टर बना तो p में तो खूब सारे होल्स होते हैं और इधर तुम्हारा एन में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर पी में खूब सारे होल्स होंगे और मैंने बोला कि तुम्हारा सैंडविच है सैंडविच का मतलब है कि दोनों साइड वाली लेयर तो मोटी है बीच वाली लेयर जानबूझ के पतली रखी, पतली रखी जाती है अभी बताऊंगा उस पर अब बीच वाली लेयर पतली रखी जाती है इसलिए क्योंकि जब पी से होल्स चलेंगे और एन को अगर तुमने मोटा कर दिया जिसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होल को बीच रास्ते में पकड़ लेंगे रिकम्बाइन कर लेंगे तो वो पहुंचने नहीं देंगे और हमें उन्हें पहुंचाना है हमें उन्हें रोकना नहीं है हमें उन्हें पहुंचाना है तो इसका मतलब है कि अगर पी से होल्स चले या एन से इलेक्ट्रॉन चले हमें उनको बीच में सिर्फ और सिर्फ आने जाने का रास्ता देना है रोकना नहीं है तो जहां से तुम्हारा निकलते हैं अब जैसे पी से होल्स निकले या एन पी में एन से इलेक्ट्रॉन निकले उसको बोलते हैं इमीटर एक टर्मिनल कहलाता है तीनों में से इमीटर क्या कहलाता है इमीटर इमीटर ऑफ होल्स ऑफ जो तीसरा टर्मिनल है वो उसको रिसीव करेगा उसको बोलते हैं कलेक्टर क्या बोलते हैं कलेक्टर और एक बीच में है जिसका काम है सिर्फ आने जाने के लिए रास्ता देना ऐसे समझ लो जैसे ऐसे समझ लो जैसे कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रैफिक पुलिस वो क्या करेगा दो रोड्स है बीच में एक चौराहा है बीच में एक क्रॉस सेक्शन है वो क्या करेगा इधर से ट्रैफिक आ रहा है वो सामने जाएगा लेकिन वो बीच में रोक लेता है वो फ्लो कंट्रोल करता है क्योंकि यार हमारा फायदा है ही यही यही तो फायदा है कंट्रोल करना हमारा फायदा ये तो है ना कि आना जाना है जो होल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमें कंडक्टिविटी चाहिए नहीं कनेक्टिविटी चाहिए तो हम तो 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 कॉपर यूज ना कर लेते हैं से सेमी यूज करते हैं क्यों फायदा है तो, तो, तो समझ में आ गए ना फायदा क्या है हमें तो वो काम ही यही करना है कि फॉरवर्ड बाइस में दे रिवर्स बाइस में ना दे हमें कंट्रोल करना वोल्टेज लगा के यहां पे भी कंट्रोल करना है और वो कंट्रोल ना तो इमीटर करता है ना तो कलेक्टर करता है पतला वाला जो है बेस वही ट्रैफिक कंट्रोलर है, वही है। बीच का समझ लो इमीटर है जिससे चार्ज कैरियर निकलते हैं एक कलेक्टर है जो चार्ज कैरियर कैरियर को रिसीव करता है और एक बेस है जो बीच का चैनल है ट्रैफिक कंट्रोलर है अब इमीटर पीएनपी में पी इमीटर पी ही कलेक्टर बट जो एन है वो बेस है एनपीएन में एन एन इमीटर N ही कलेक्टर बट पी बेस है अब होता क्या कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो मोस्टली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादा सर्किट में यूज करते हैं और जो तुम्हारे बुक में यानी कि जो सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के एनसीआरटी में वो है कॉमन इमीटर एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन तो वो कॉमन इमीटर क्यों वो भी बताऊंगा और एनपीएन क्यों वो उसका रीजन बता दे रहा हूं कि एनपीएन और पीएनपी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की मैकेनिज्म एक ही है बट एनपीएन इज प्रेफर्ड बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन होल्स और पीएनपी में चलने के लिए सिर्फ होल्स ही होल्स है yeah. और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन है अब सिंस पीएनपी में होल्स है और होल्स क्या होते हैं

तो ये भी है लेकिन अगर एरो तुमने इमीटर की तरफ दिखा दिया अगर तुमने करंट इमीटर की तरफ दिखा दी इसका मतलब है क्योंकि इमीटर से तो निकलता ही है ना कुछ yeah. करंट उसकी तरफ आने का मतलब है कि उससे जो निकला होगा वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा उससे वो जो निकला होगा वो क्या होगा नेगेटिव चार्ज yeah. तो एनपीएन में जो जो एरो होता है वो ई की तरफ होता है और पीएनपी में एरो ई से अवे होता है ई से टुवर्ड्स या ई से अवे के बेसिस पे तुम पीएनपी और एनपीएन को डिस्टिंग कर सकते हो अगर इमीटर से अवे है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है अगर इमीटर के टूवर्स है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये बात समझ आई अब ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें जब भी बनाते हैं तो एक चीज इनको ध्यान में रखते हैं सबसे पहले इमीटर इमीटर का काम क्या है चार्ज कैरियर प्रोवाइड करना इमीटर का काम क्या है चार्ज कैरियर देना इमिट करना तो चार्ज कैरियर देने के लिए उसमें तुम डोपिंग खूब सारी बढ़ाओ जितनी ज्यादा डोपिंग बढ़ाओगे ज्यादा उसके पास उस इलेक्ट्रॉन होंगे ना देने के लिए तो मीटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है होता है इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा रखी जाती है इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा अब वो जो डोपिंग करके उससे होल से इलेक्ट्रॉन निकले पकड़ना किसको है कलेक्टर को अब कलेक्टर अगर दुबला पतला हुआ उसका सरफेस एरिया कम हुआ तो वो तो होल से इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएंगे आगे तो इसलिए कलेक्टर को हम रखते हैं एज वाइड एज पॉसिबल पॉसिबिलेस्ट वन कलेक्टर थिक होता है मोटा होता है मीटर पतला भी हो लेकिन कलेक्टर मोटा है जिससे वो क्या करे जितने भी होल से इलेक्ट्रॉन निकले उनको कलेक्ट कर सके इसलिए कलेक्टर की विट सबसे ज्यादा होती है बेस मैंने बताया सैंडविच की तरह है. तो सैंडविच की तरह पतला और जानबूझ के पतला रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन और होल जब चले तो वो दूसरे साइड पहुंचे रिकम्बाइन थोड़े बहुत तो तब भी करेंगे

बात समझ आई अब जब भी ट्रांजिस्टर को चलाना होता है तो कैसे चलाते हैं तो ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए हम उसको सबसे पहले यहां से जैसे मान लो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये होल्स है इन होल्स को धक्का देना पड़ेगा यहां से तो होल्स को धक्का देने के लिए क्या करना पड़ेगा होल्स को चलाने के लिए इसको फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो चलते हैं तो पहला वाला जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हमेशा रखा जाता है फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड से क्या होगा फॉरवर्ड से ये होल्स चलने उनको कैसे करें बेटा यहां पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं क्योंकि यहां पे प्लस लगा दोगे तो रिपेल होने लगेंगे से तुम दो, से भी धक्का दे दो तो क्या फायदा तो इधर तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा और इधर फिर पी है यानी कि फिर पी को तुम यहाँ तो पी को प्लस कर रहे थे पर यहां पे पे को को माइनस 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 कर कर रहे रहे हो, हो, और अगर पी को कर रहे देखो तो अब इससे क्या होगा फॉरवर्ड से तुम्हारा होल्स चलेंगे इधर जाएंगे अब इधर जाएंगे तो कुछ तो रिकम्बाइन हो जाएंगे ना थोड़ा बहुत रिकम्बाइन होंगे बट हमने इसको जानबूझ के कैसा रखा थिन

और बाकी तुम्हारा कलेक्टर में पहुंच गए तो जैसे मान लो तुम्हारा थाउजेंड निकले टेन बेस में गए नाइन नाइनटी कलेक्टर में पहुंच गए तो क्या थाउजेंड निकले थे तो आए भी थाउजेंड उन्हीं में से तो टेन बेस में गए उन्हीं से नाएन नाएन टी में से नाइन नाइनटी कलेक्टर में गए तो उनके जो नंबर होंगे उनके बीच में ये रिलेशन लिख सकते हैं एन इज इक्ल टू एनबी प्लस एन सी एन इज प्लस एन इज B बी प्लस एनसी तो हर होल के पास चार्ज चार्ज है तो अगर मैं दोनों साइड e, e से से इलेक्ट्रॉन के कर दूं दू, दू, तो yeah. भी लिख सकता था जंक्शन है उतनी पे, पे तो जाती है yeah. तो जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाता था तब भी तो लिख सकता था आई इज इक्ल टू आई बी प्लस आईसी तो ट्रांजिस्टर में जो सबसे बेसिक इक्वेशन होता है ज्यादा कुछ है नहीं पे न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेसिक इक्वेशन यही होती है क्या होती है रिलेशन ये अब बेस करंट जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है लेकिन वो बहुत यूजफुल होती है और कैसे होती है अब मैं इस पर बताता हूं कैसे होती है देखो बेस पे तुमने यहां पे एक निगेटिव लगाया है अगर गलती से तुमने कुछ ज्यादा तो ये जो होस जा रहे थे, इनको ये वाला खींच ले जाएगा ये। तो अगर तुम कुछ ही इसको कर दो, मतलब इसके पॉजिटिव कर दो और इसको कर दो, तो जो होश इधर जाने वाले थे तो डायवर्ट होकर अपने रास्ते से भटक के इसकी तरफ खींच चले आएंगे तो तुमने इधर तो रोक दिया ना उनको जाने से अरे यार तुम जाना चाहते थे सब लोग इधर जा रहे थे कलेक्टर की तरफ लेकिन बीच में कलेक्टर की तरफ क्यों तो जा रहे थे क्योंकि उनको नेगेटिव रहा था अपने तरफ। यानि कि बेस एक और जितना उसको पॉजिटिव बढ़ाते हो पॉजिटिव बढ़ाते जाओ तो उतना ये वाला नेगेटिव अपनी तरफ खींचता जाएगा कि बेस के वोटिव बात एक ही है दोनों तो एक ही है तो अगर तुमने अगर तुमने बेस के वोल्टेज को चेंज किया थोड़ा बहुत भी तो वो कलेक्टर पे जाने वाली करंट को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है चेंज करने का मतलब बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है अगर तुम नेगेटिव कर दोगे तो घटा देगा अगर तुम पॉजिटिव कर दोगे तो बढ़ा देगा है कि नहीं तो इसका मतलब है कि बेस के वोल्टेज का छोटा सा मैनिपुलेशन कलेक्टर के आउटपुट को बहुत लार्ज चेंज दे सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉटर टैप में होता है अब वॉटर टैप में क्या होता है तो मैं तुमको बता रहा हूं ट्रांजिस्टर था बट काम करता है, है।, है किसी ने देखी चालीस चालीस पचास साल पहले तो डिस्कवर हुई है और देखी किसी ने नहीं तो इनके काम करने की सिर्फ एनॉलॉगी हम समझ सकते हैं तरह है। तो वाटर टैप एनोलॉगी क्या है? वाटर टैप क्या करता है टैंक में पानी भरा हुआ है उसके पास चार्ज कैरियर है उसको इमीटर्स समझ लो टैंक को

तो वो क्या कर देगा जैसे टैप बंद है नहीं आ रहा पानी ब्लॉक इसको बोलते हैं कट ऑफ क्या बोलते हैं कट ऑफ वो कट ऑफ कर देगा फ्लो को बात समझ आई अब मैंने क्या किया कि एन को नहीं पॉजिटिव थोड़ा सा घटाया नहीं जाने जाने, यार, जाने दो दो यार अब वो क्या कर रहा है जाने दे रहा है एन को नेगेटिव बनाया तो जाने दिया अब टैप को थोड़ा सा खोलोगे तो फ्लो आता है अब टैप में क्या होता है छोटा सा तुम अपना एफर्ट डालते हो फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उस समय क्या होगा कि एन को जब निगेटिव बना रहे हो तो पीछे होल निकल रहे हैं

तो जब तक तुम्हारा वो टैप को थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने से फ्लो रेट चेंज हो रही थी वो टैप की एक्टिव स्टेट थी वैसे ट्रांजिस्टर की एक्टिव स्टेट होती है और अगर तुमने ट्रांजिस्टर को एक लिमिट के बाद तुमने फ्लो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है और वो फ्लो आता जा रहा है आता जा रहा है तुम्हारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड है ये वाला रिवर्स है और फ्लो रेट तुम्हारा मैक्सिमम जितना हो सकता है उससे हो रहा है तो वो ट्रांजिस्टर की सेचुरेशन स्टेट कहलाता है क्या कहलाता है ट्रांजिस्टर की तीन होते तीन मोड ऑफ ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन होते स्टेट है कट ऑफ एक्टिव और सेचुरेशन कट ऑफ एक्टिव और सेचुरेशन और ये किससे किसको करना है इमीटर को करना है कलेक्टर को, को करना है कि बेस वोल्टेज को चेंज करके बेस इसलिए बेस को हम जानबूझ के थिन बनाते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ना हो सर्किट में करंट चले सर्किट में क्या चले करंट करेंट रिकॉमेशन में टाइम वेस्ट ना हो हमारा हमारा तो है ना लाइट एलईडी तो ना बनाने की रिकॉमडेशन होगी लाइट निकल येलो रेड तुम देख रहे हो बढ़िया हो गया यहाँ पे हमको उससे सर्किट में बेस के करंट से बेस के वोल्टेज को चेंज करके कलेक्टर में करंट में बहुत चेंज करना है और जब छोटे चेंजेस से बड़ा चेंजेस करते हैं तो उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं एम्प्लीफिकेशन बेस के वोल्टेज में छोटा सा चेंज कलेक्टर की करंट चेंज और कलेक्टर में बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दें। तो कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा इनपुट में वहां पे किलो ओम है, मेगा ओम है और वहां पे एक तो आई में ज्यादा और आर भी ज्यादा तो वहां पे आई आर भी ज्यादा हो जाएगा तो कलेक्टर में बहुत बड़ा वोल्टेज मिल जाएगा तो जैसे एम्पलीफायर क्या होते हैं जैसे मैं अपने साथ लेके आता हूं एम्पलीफायर ही तो है मैं जो बोल रहा हूं वो एक सिग्नल है वो सिग्नल लगा दो बेस पे ट्रांजिस्टर अंदर है उसके और वो क्या करे जो तुमको सुनाई दे रहा है स्पीकर वो कलेक्टर है वो छोटे से चेंजेस को बेस के वोल्टेज के छोटे से चेंजेस को कलेक्टर में लार्ज चेंजेस करके करंट में भेज दे और कलेक्टर में बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दो तो वो क्या करे कलेक्टर में बहुत बड़ा वोल्टेज दे दे कलेक्टर में बहुत बड़ी पावर दे दे इज से ज़्यादा, ज़्यादा, तो पावर मिल जाए पावर ज्यादा एनर्जी का काम स्विच तो डायोड बन चुका है और है तो और है तो ऑफ वो बन चुका स्विच अब हम कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा रोल होता है एज एन एम्पलीफायर कैसे होता है एज एन एम्प्लीफायर समझा एज एन एम्पलीफायर तो जो ट्रांजिस्टर में करंट एम्पलीफिकेशन होता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं बीटा और वो बीटा बीटा कहलाता है बीटा की वैल्यू होती है कलेक्टर तुम्हारा आउटपुट है बेस इनपुट तो कलेक्टर में जो आउटपुट है डेल्टा आईसी और बेस में जो यूजुअली ट्रांजिस्टर्स के लिए इसमें आउटपुट है, है तो इमीटर क्या है कलेक्टर में आउटपुट ले रहे हैं बेस yes, में इनपुट दे रहे हैं तो बच्चा तीन जंक्शन है ना इमीटर बेस कलेक्टर तो इमीटर क्या है सोर्स तो है ही इनपुट सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> मैं ये कह रहा हूं कि कलेक्टर में आउटपुट है बेस में इनपुट है तो इमीटर सर्किट में क्या काम कर रहा है आउटपुट का काम कर रहा है इनपुट का काम कर रहा है या फिर इनपुट आउटपुट दोनों के सर्किट में कॉमन एक टर्मिनल की तरह काम कर रहा होगा

कलेक्टर तो जो है वो इमीटर से छोटा है इसलिए लेस देन वन है बट अगर तुम्हें कहीं मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं ये होता डेल्टा डेल्टा और ये होता बीटा ई -E लिखा है बेस तो कॉमन है बेस कॉमन है कलेक्टर आउटपुट है इमीटर इनपुट है ये बात सुन में ट्रांजिस्टर के दो मिनट और कर लो ट्रांजिस्टर के तीन टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं क्योंकि तो तीन टर्मिनल है तो एक इनपुट एक आउटपुट तो एक होता है कॉमन बेस कॉमन बेस में आउटपुट लोगे कलेक्टर पे क्या पड़? देखो ना क्या देख, क्या दिक्कत है सब बोलते हो उसके बावजूद बोलते तो बोल नहीं रहे कितना बोलोगे और कितना बोलना चाहते हो दुनिया का बोलने का सारा ठेका तुम्हें रखा है सब तुम्ही बोल रहे लोग बाकी लोगों के लिए छोड़ोगे कुछ एम्प्लीफिकेशन वाली चीज से बता रही है अभी बता रहा हूँ उस पर एम्प्लीफिकेशन तो ऐसा है कि ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के तीन तरीके अभी एम्पलीफिकेशन से सर्किट बताऊंगा है पूरा सर्किट बताऊंगा तो उसमें दोबारा बताऊंगा ट्रांजिस्टर के तीन टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं एक जिसमें बेस कॉमन हो एक जिसमें इमीटर कॉमन हो एक जिसमें कलेक्टर कॉमन हो जिसमें बेस कॉमन होता है उसमें आउटपुट कलेक्टर पे लेंगे इनपुट इमीटर पे देंगे आउटपुट कलेक्टर पे देंगे इनपुट बेस इनपुट इमीटर पे देंगे अब इनपुट अगर इमीटर पे दोगे तो इमीटर तो सबसे ज्यादा होता है तो कलेक्टर पे हमें कोई बड़ा आउटपुट तो मिलेगा नहीं इसलिए कॉमन बेस कनेक्शन बेकार टाइप का कॉमन बेस कनेक्शन कोई यूज का नहीं है अब आता है कॉमन कलेक्टर अगर कलेक्टर को कॉमन कर दोगे तो इमीटर पे इनपुट है बेस पे आउटपुट है बेस तो में ही सबसे कम होता है बेस में सबसे कम चेंजेस होते हैं तो ये भी बेकार है तो सबसे काम का है कॉमन इमीटर इसीलिए में कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इमीटर कॉमन है, तो आउटपुट मिलेगा कलेक्टर पे आउटपुट कहां मिलेगा कलेक्टर पे और इनपुट कहां पे होगा बेस और क्या उबैद यह बात तुम्हें समझ में आ रही कि बेस में छोटा सा चेंज कलेक्टर में बहुत लार्ज चेंज करता है बेस में बहुत छोटा सा चेंज कलेक्टर में क्या करता है बहुत लार्ज तो इसका मतलब है कि तुमको सबसे अच्छा एम्प्लीफिकेशन इसी में मिलेगा कॉमन एमिटर में बेहतर समझ में आई बात जो पूछ रहे थे यस uh, yes, ठीक तो ये तुम्हारा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है एज एम्प्लीफिकेशन चलो ठीक है पीडीएफ भेज देता हूँ ट्रांजिस्टर उसके बाद लॉजिक गेट्स हैं बस खत्म है लॉजिक गेट तो है, है।, है।